ये हम पहुंच गए हैं आईएचबीटी पालमपुर। फाइनली पहुंच गए, पैदल चले। पसीना पसीना हो गए। ये पहुंच गए आईएचबीटी पालमपुर। ये मेरा मित्र एकदम खुश हो गया है, हेमंत। हेलो, अंदर के बेटी बाद में। ये हम एंट्री करा के अंदर हो गए पालमपुर आईएचबीटी CSIR। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है यहाँ का, बिंदास सा। इंटरव्यू दे दिया है, रिजल्ट वेबसाइट पे शो होगा, जैसे भी होगा। इंटरव्यू देके चल दिए है, अब एकदम से हम फ्री हो गए। हम ज़्यादा काम नहीं है, गुड फील हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह भगते भगते आपको थोड़ा विजिट कराया था कि कौन कौन से क्या डिपार्टमेंट है। अब हम ट्राई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाने का, और वहाँ पर भी जैसा कुछ भी होगा, कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट, कैसा डिपार्टमेंट है, मेश कैसा है, इसका हम पूरा आपको डिटेल के साथ बताएंगे। ये भंडार एंड क्रे स्टोर एंड परचेस का डिपार्टमेंट वक्त दिखाया था। मौसम काफ़ी प्यारा हो गया, एकदम ठंडा सा, अच्छा सा कूल फील हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल टी प्रोसेसिंग यूनिट ये है, चाय प्रक्रम इकाई, टी प्रोसेस यूनिट, नैनोटेक मार्ग ये है। इधर भी डिपार्टमेंट से, मगर हमें आगे एक लैब में काम है, तो हम इस लैब में जा रहे हैं। फिर उधर जाएंगे तो उधर के बताएंगे हम। इस लैब में हमको थोड़ा काम है। ये लैब में जाने का रास्ता,
चलो अंदर चलो। हेलो सर, हम आई जी बी टी पालमपुर आ गए। जो हमारे सीनियर सर थे नवाब सर, उनकी लैब में ये बहुत प्यारी मैम है, नेहा मैम। एक्चुअल नेहा एक्चुअल में क्या था कि एक हमारा गिफ्ट था जो नवाब सर को हमें देना था, मगर नहीं दे पाए थे, तो उन्होंने बोला कि गिफ्ट लैब में दे आना नेहा मैम को, उसके बाद वो 6 महीने बाद रिसीव कर लेंगे। और ये भी बहुत अच्छे दो ट्रेनी है। नाम बताइए आप आपका। हिमांगनी उपाध्याय, ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ह्यूमन मैनकाइंड के लिए। आप देख रहे हो ये दिन रात लगे हुए रहते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय बाय। अब हम यहाँ से चल दिए। बाय सर, बाय सर। यहाँ से चल दिए, अब हमें 1 बजे का इंतज़ार करना है और फिर हमको जाना है लंच करने। करने कैंटीन मेज मेज ये मेरा भोजन घर जा रहा है। मेरा ये दोस्त बहुत तेजी से थक चुका है, ये थोड़े भारी है। इधर ये पुस्तकालय लाइब्रेरी एवेन्यू इधर है। जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा नहीं। इधर से रास्ता था कैंटीन। हॉस्टल जाने के लिए, हॉस्टल जाने के लिए ना। चलो नदी के ऊपर ब्रिज बना है। यहाँ छोटी छोटी नदी मुझे बहुत सी देखने को मिल रही है ऐसी। और ये बना है नया हॉस्टल, सुंदर सा प्यारा सा हॉस्टल। हाँ ये है नया हॉस्टल। सामने हॉस्टल है, स्कूलर हॉस्टल। इधर ये सामने छात्रावास दिख रहा होगा। इधर का भी कुछ ऐसा है हॉस्टल के सामने का। अभी यहाँ से हम आए हुए हैं, अब हम जा रहे हैं हॉस्टल में। स्कूलर बॉयज हॉस्टल, ये रूम प्रॉपर रूम है। अंदर से अटैच लाइट बात सबके लिए है, के लिए काफ़ी अच्छा है हॉस्टल, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो अब हम जा रहे हैं मेश में।
हॉस्टल से थोड़ा सा निकलते ही मैं ऐसे पालमपुर का मैच, सुंदर सा प्यारा सा मैच। अब यहाँ पर देखेंगे इनका खाना कैसा है, खाने की क्वालिटी क्या है। मैं मेरा बैग पर खाना 60 रुपये पर पर्सन है लंच का, तो हम यहाँ पे 60 रुपये पे कर रहा है पर पर्सन। हमने दो लोगों के लिए पे किया 120 रुपये, देन हम मैच में जाएंगे फिर खाना खाएंगे। एंट्री मैं कर देता हूँ, एंट्री कर दी है। अब हम अंदर जाते खाना खाते हैं। अभी मैं प्लेट में खाना लगा लूँ, खाना लगाने के बाद बताऊँगा कैसे इधर का खाना है। मैं हमें ये खाना मिला है जिसमें हमें एक मिली है दाल, सब्जी अनलिमिटेड, सलाद अनलिमिटेड, रोटी अनलिमिटेड, और मैं और मेरा दोस्त दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं। इधर बिल्कुल कूल एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर खाते हुए। और इधर जस्ट साइड में ये कोई हॉस्टल है जो अभी मैंने आपको दिखाया था। अब खाना खा के टेस्ट करके बताएंगे कैसा इसका टेस्ट है। खाना तो ठीक ठाक था, मैच के हिसाब से अच्छा खाना था, 60 रुपये की प्लेट में कोई महंगा नहीं था। अब हम इस वाले रास्ते जाएंगे, आगे वाले से निकलेंगे। अभी हमें लैब विजिट करनी है, हाँ केमिस्ट्री लैब विजिट करनी है। हॉस्टल बैकग्राउंड से कुछ ऐसा दिख रहा है। जाने देंगे उनको, कैसे सिला पाए पूछेंगे ना, अपन परमिशन लेंगे। गाइड को थोड़ा अच्छा मिल जाएंगे। ये कुछ बना हुआ है मगर मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है, देखता हूँ आगे कुछ लिखा होगा। देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है, बांस का बना हुआ। बांस एक दिव्य उपहार ऐसा कुछ करके है, और छोटे छोटे अच्छा कविता के रूप में लिखा गया है। जो भी अच्छा लग रहा है, एकदम प्रॉपर घर जैसे इन्हें बनाया हुआ है। अब देखते वो सामने वाली कौन सी है, पीछे का रास्ता। ये कुछ लोग आ रहे हैं, चर्च के लोग आ गए। कौन जपन को तो नहीं मिला था, सिल्वर ओक, इसको ही देखे आ रहे जब से हम लंबे लंबे पेड़। गार्ड के धक्के मारे हमने बंद कर दिया था कि वो ऑब्जेक्शन लगता कि क्यों वीडियो बना रहा हो, किस लिए बना रहा हो, इसलिए हमने स्टार्ट वीडियो बंद कर दिया था। ये पीछे जो है वो एक गेस्ट हाउस जगह थी, उसी को थोड़ा सा समतल करके बिल्डिंग बना दी। हाँ, यहाँ की सबसे बड़ी बात ये है कि जैसी जगह थी वैसी बिल्डिंग बन गई। देखो वहाँ नीचे था तो वहाँ नीचे घर बन गए, उससे नीचे जनरेटर एरिया जो ट्रांसफार्मर वगैरह रखे नीचे करके प्लान करके बना दिए। ऐसा कोई नहीं जो जैसे कि अपने इधर एमपी में होता है कि पहले फिल करेंगे फिर ये सारा कुछ करेंगे। गलती से इसीलिए पानी भर जाए ट्रांसफार्मर, क्या होगा पता नहीं। कितना बड़ा, कितनी बड़ी रोक रखी हुई है ये। अभी यहीं से गए थे, अभी पीछे से उधर जाना है हमें, देखना है केमिस्ट्री लैब कहाँ पर है। तो लिखा तो प्रयोगशाला मार्ग लेबोरेटरी एवेन्यू। यांत्रिकी इकाई, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग यूनिट, यहाँ से शायद इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। सेंट्रल हो, नॉर्थ लेन है, सिविल इंजीनियरिंग यूनिट है,
ETC नॉर्थ लेंगे हमको देखना सिक्योरिटी गार्ड को रुकशाला माल चलो देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड को फिर देख रुकशाला पशु विभाग एनिमल फैसिलिटी चढ़ के हम इधर ऊपर आ गए अब हम जा रहे हैं केमिस्ट्री लैब सही थी यही है हाँ ये रोटा तो रखा है हो सकता है केमिस्ट्री लैब यही हो आज से रास्ता उसका उधर से गए थे तब दिखाया था आप लोगों को इधर है केमिस्ट्री लैब इस टाइम तक वीडियो बनाऊंगा फिर वीडियो बनता दूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी लैब की वीडियो बनाना अभी जस्ट हमने एक लैब विजिट की है केमिस्ट्री लैब देखा है कि काफ़ी बहुत अच्छी लैब है लैब में ऐसा कैमरा अलाउड नहीं क्योंकि किसी साइंटिस्ट के सामने यदि मैं कैमरा ऑन करके लैब दिखाता तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता इसलिए मैंने लैब में जाके कैमरा बंद कर दिया था अब हम लैब विजिट करके दूसरी लैब में जाने वाले हैं अब हम यहाँ से जा रहे हैं IHPT पालमपुर से छोड़ दिया है थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है हमारे जैसे पीछे CSIR IHPT पालमपुर है हल्की हल्की सी बारिश होने लगी है तो हमने छाता निकाल लिया उसके बाद हम वेट करेंगे ऑटो का वेट करके हम निकल जाएंगे बस स्टैंड के बाद दिल्ली हम बस का वेट किए 5-6 मिनट फिर हमको अच्छा यहाँ से नहीं हमें हमारा जो बस बुक किया वो आगे से पालमपुर बस स्टैंड से अच्छा रोड बड़ा छोटा है फिर हमने सर से लिफ्ट लिया सर हमको आगे चौक तक छोड़ देंगे उसके बाद फिर हम पैदल चल जाएंगे कोई अदर ऑप्शन देख लेंगे सर यहाँ आसपास कोई घूमने लायक सर हमारा बस 6 बजे है सर आसपास में है लेकिन आपको सर्विस नहीं मिलेगी बस सर्विस नहीं मिलेगी टैक्सी अच्छा कहाँ है सर पालमपुर में सौरा बंदियार है टेंपल है कौन सा सर जखनी टेंपल है जखनी टेंपल सौरभन भैया प्लेसेस तो बहुत सारे हैं लेकिन 6 बजे तक अच्छा सौरभन भैया जाया जा सकता है सर आराम से आराम जा सकते हैं कितना किलोमीटर है सर वो पालमपुर से पड़ेगा 3 किलोमीटर ओके सर टी गार्डन वगैरह हैं सर थैंक यू सो मच सर 1 किलोमीटर ओके सर